एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। केसू ग्राम पंचायत में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बदनावर एसडीओपी शेर सिंह राणा, सादलपुर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह परिहार ने बैठक में वहां उपस्थित हिंदू समुदाय व मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे, जिसमें प्रशासन के अमले द्वारा सभी त्यौहार, चाहे वह हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के हो, सभी को अपने त्यौहार शांति व सौहार्द भाव से मनाने की अपील की और वहां उपस्थित जन समुदाय से उनके विचार जाने। इस अवसर पर केसूर पत्रकार संघ की ओर से नवीन जैन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो शांति समिति वर्तमान उपस्थिति के साथ अन्य और योग्य व्यक्तियों को मौका दिया जाए, कुछ सीनियर सिटीजन के अलावा इसमें हर वार्ड व मोहल्ले से यंगस्टर को भी जोड़ा जाए, जिससे शांति समिति के विस्तार के साथ उनके विचार जानने का अवसर मिलेगा। इस पर एसडीओपी महोदय द्वारा पत्रकार संघ की बात पर अमल करने का आश्वासन दिया गया और सभी लोगों से अपील करते हुए त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का कहा गया, जिसमें गणेश चतुर्थी, तेजा दशमी, डोलग्यारस, अनंत चतुर्थी एवं 40वें मुहर्रम के त्यौहार भाईचारा से मनाने की सभी से अपील की। कहा कि केसूर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं एवं सौहार्द कायम रहता है। इस बैठक में जनप्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे। केसूर से नवीन जैन के साथ चंदन बराडिया की रिपोर्ट। तो हम पत्रकार संघ ये चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, इसको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट भी किया जाएगा, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें बदलती हैं। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अच्छा, क्यों ना वो प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जाए कि शांति समिति में प्रति वार्ड योग्य व्यक्तियों को उसमें ऐड करें और उनके कार्ड बना के क्यों ना दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि एक उत्सुकता आएगी आने वाले समय में। और हम ये चाहते हैं कि यंगस्टर जुड़ेंगे, तो काफ़ी हदों में सीनियर सिटीजन तो हमारे बहुत हैं जो कि हमारे सलाहकार रहे भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन यंगस्टर से क्या सब कुछ नई पहल, उनकी क्या सोच है, उसको समझने में मौका तो मिलेगा ना। पहले कार्ड बने भी, आपका कहना सही है। इस संबंध में एसडीएम महोदय से चर्चा करके वार्डवार प्लस जो भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व हो, वार्ड से प्रॉपर तरीके से प्रतिशत में रहें लोग बात। और जहाँ तक नई युवा पीढ़ी का सवाल है, तो पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी, जो कि पुरानी पीढ़ी मार्गदर्शक के रूप में रहें और इम्प्लीमेंटेशन के लिए युवा पीढ़ी की भी इसमें सहभागिता बढ़ाने के लिए हम निवेदन करें। आपका इंटरव्यू ये प्रशासन शेर सिंह भूरिया, एसडीओपी बदनावर। ठीक है, थैंक यू। प्रशासन जो अपने गणपति जी जो बैठाए हैं वह उनके लिए कोई मार्गदर्शन? या इस संबंध में मीटिंग में चर्चा करके जो व्यापक निर्देश हैं वो सबसे शेयर किए हैं, और जितने भी स्थापना करने वाले मंडल हैं उनको भी बताया गया है कि प्रतिमा पर उपस्थिति लगातार बनी रहे। इस दौरान में पुलिस गश्त रेगुलर रहेगी कस्बे में, और जो वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे उनके टेलीफोन नंबर भी थाने पर रहेंगे, जिनसे रात बिरात कोई आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।